गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मानसी। तो अब ना मुझे आप लोग को बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आप लोग खुद ही मुझसे कमेंट करके बताते हो कि मानसी हमने अपने घर में कबाड़ इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और अब हम भी इसी तरह के नए नए DIYs बनाया करेंगे कबाड़ को यूज़ करके। एंड ये सुन के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और वीडियो की शुरुआत में ही मैं कबाड़ वाली बात इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आज के DIYs भी ऐसे ही होने वाले हैं, कबाड़ वाली चीज़ों को ही यूज़ करेंगे इन DIYs को बनाने के लिए। तो आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे DIYs बनाने वाले हैं जो कि कोई भी देखेगा ना तो आपसे यही पूछेगा कि ये 200-300 साल पुराने एंटीक पीसेस कहाँ से खरीदे। तो कहने का ये मतलब है कि हम कुछ विंटेज डेकोर्स बनाने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि जब भी मैं वीडियोस लाऊं वो फटाफट से आपके पास पहुंच जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। एंड चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ये ग्लास कंटेनर। इसका ढक्कन थोड़ा सा टूटा हुआ था तो मैंने सोच रखा था कि इसको मैं किसी वीडियो में रिसाइकल करूँगी, तो आज मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका एक बेस रेडी कर ले रही हूँ, मतलब जो इसका नीचे वाला पार्ट है उसके लिए होल्डर जैसा बना रही हूँ। तो इस DIY में काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे एलिमेंट्स और काफ़ी सारा कबाड़ यूज़ हुआ है। और इसको बनाते टाइम ना अगर आपको लगता है कि आपके एलिमेंट्स उतने प्रॉपर शेप में नहीं आ रहे हैं या सारे शेप इक्वल नहीं दिख रहे हैं तो उसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि जो भी उस टाइम चीज़ें बनाई जाती थी ना वो प्रॉपर हैंडमेड होती थी। एंड आज की तरह मशीन मेड चीज़ें नहीं होती थी कि हर एक चीज़, हर एक शेप बिल्कुल परफेक्टली आए, और यही हैंडमेड चीज़ों की खूबसूरती होती है। और उस टाइम की तो बात ही कुछ और थी। और सिर्फ आर्टिफैक्ट्स ही नहीं बल्कि उस टाइम जो नुस्खे होते थे वो भी बड़े काम के होते थे। आज हम अपनी स्किन के लिए, बालों के लिए जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन ये सारे नुस्खे सालों पहले हमारी नानियाँ दादियाँ हमें पहले ही दे चुकी हैं। जैसे आजकल आपने ग्लास स्किन के बारे में सुना होगा, स्पेशली जैसी कोरियन मॉडल्स की ग्लास स्किन होती है, तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। कितने सालों से हमारी मम्मियाँ और नानियाँ ये बताती आई हैं कि चावल का पानी फेस पे लगाने से बिल्कुल ग्लास स्किन जैसा ग्लो आता है। बट अभी मेरे पास इतना टाइम तो नहीं रहता कि मैं ये सारा ताम झाम कर पाऊँ। तो इसके लिए मामा अर्थ लेके आया है राइस वाटर फेस रेंज, जो कि देता है क्रिस्टल क्लियर ग्लास स्किन नेचुरली। तो सबसे पहले मैं राइस फेस वॉश से अपने फेस को क्लीन करती हूँ, क्योंकि इसमें है राइस वाटर जो कि स्किन को क्लैरिफाई करता है और कोलाजन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। देन इसमें है नियासिनमाइड जो कि रिमूव करता है डेड स्किन सेल्स को और ओपन पोर्स को मिनिमाइज करता है, जिससे स्किन फ्रेशर और हेल्दियर दिखती है। एंड इसके बाद मैं मामा अर्थ का ही राइस ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ, बट अभी वो मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आपको वो भी अप्लाई करना चाहिए। सो यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस। ये राइस फेस रेंज अगर आप डेली बेसिस पे भी यूज़ करते हो तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि ये मेड सेफ सर्टिफाइड है, यानी कि इसमें कोई टॉक्सिन्स, पैराबेंस और हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। एंड मामा अर्थ की सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी आप यहाँ से कुछ परचेज करते हो तो दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ ट्री दैट दे प्लांट, एंड बाई 2025 दे आर एमिंग टू प्लांट 1 million ट्रीज एज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। एंड जैसे हम अपने वीडियोस में पुरानी वेस्ट चीज़ों को रिसाइकल करते हैं, वैसे ही मामा अर्थ भी प्लास्टिक पॉजिटिव है, यानी कि जितना प्लास्टिक ये यूज़ करते हैं उससे कहीं ज़्यादा रिसाइकल करते हैं। और इनके प्रोडक्ट्स अमेजोन, नाइका, फ्लिपकार्ट, पर्पल, मामा अर्थ की वेबसाइट और ऐप पे तो अवेलेबल है ही, इसके अलावा अभी आपके नियर बाय स्टोर्स में भी अवेलेबल है। और अगर आप मेरा कूपन कोड MS2023 यूज़ करते हो तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा, एंड ये कोड सिर्फ मामा अर्थ की वेबसाइट और ऐप पे ही अवेलेबल है। तो चलो, स्किन केयर रूटीन तो कर लिया, इसी के साथ हमारा जो क्ले वर्क था वो भी ड्राई हो गया। और जब मैं इसको बना रही थी मुझे उसी टाइम कुछ डाउट हो रहा था कि जो मेरी क्ले है वो अच्छे से चिपक नहीं रही है, और ड्राई होने के बाद भी जो ग्लू था वो सूखा ही नहीं, मतलब वो वाइट ही दिख रहा था। एंड देन आई रियलाइज कि मैंने कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया है। मैंने यहाँ पर वाइट ग्लू की जगह कलर यूज़ कर लिया था, और ये दोनों जो बॉटल्स हैं ना वो देखने में एकदम सेम लगती हैं, तो इसीलिए मैंने ये कलर वाली बॉटल गलती से यूज़ कर ली। और जो वाइट ग्लू होता है ना वो ड्राई होने के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाता है, बट ये ट्रांसपेरेंट ही नहीं हो रहा था और मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। मुझे लगा शायद ठंड ज़्यादा है इसलिए सूख नहीं पा रहा होगा, बट अब गलती हो गई थी। तो मैंने फिर सोचा कि चलो इस वाइट कलर को साफ़ करने की कोशिश करती हूँ, बट इतना सारा कलर था और ऐसे कोने कोने में था कि साफ़ होना बिल्कुल नामुमकिन था। तो मैंने सोचा था कि ये जो क्ले वर्क है इसे मैं पेंट कर दूंगी और अंदर हम लाइट रखेंगे जिससे कि लैम्प की तरह होगा, और ये ऐसे जालीदार बन जाएगा जिसमें से अंदर से लाइट आएगी तो काफ़ी सुंदर लगेगा। बट अब ये बीच बीच में पेंट जो दिखाई दे रहा है उसका मैं क्या करूँ, ये साफ़ भी नहीं हो रहा था। तो
तो मेरा मूड तो बिल्कुल ख़राब हो रहा था। मैंने सोचा कि अब छोड़ो दूसरा बनाऊँ, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आया। तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के बाद मैंने सोचा कि चलो इसी को कुछ करते हैं। तो इसके बाद जो बाकी का क्ले वर्क था वो मैंने फिर से किया, और इस बार मैंने फेविकॉल का ही यूज़ किया। अब इसके बाद बाकी के एलिमेंट्स भी हम रेडी कर लेंगे। जो इसका ढक्कन टूटा हुआ था उसको भी मैं थोड़ा सा जोड़ ले रही हूँ, इसके ऊपर भी हम क्ले वर्क करेंगे। तो यहाँ पे ईयरिंग्स बनाने वाले जो वायर्स होते हैं ना, उसका यूज़ करके मैं कुछ मोती वगैरह अटैच कर रही हूँ। आप कोई दूसरा वायर भी यूज़ कर सकते हो जो भी आपके पास हो। एंड ये मोती वगैरह जो भी हैं ये भी किसी ना किसी चीज़ में से निकले हुए हैं, टूटे हुए हैं, तो वही सारी चीज़ें मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। अब मैं क्ले से ही ढक्कन को भी प्रिपेयर कर लूँगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था क्ले वर्क कंप्लीट होने के बाद। तो अब आ जाते हैं जो हमने ब्लेंडर किया था, हमने नहीं मैंने किया था। तो अब पेंट करना था मुझे इसके ऊपर, लेकिन ये जो जाली वाला पार्ट है, मतलब जो खुला वाला पार्ट है ट्रांसपेरेंट वाला, उसे मुझे कवर नहीं करना था, लेकिन ये जो वाइट कलर है इसे मुझे कवर भी करना था। तब मैं क्या करती कि वो कवर भी हो जाए और जाली वाला पार्ट खुला भी रह जाए। तो इसके लिए मैंने ना मास्किंग टेप लिया और छोटे छोटे पीसेस कट करके यहाँ पे चिपका दिए। तो बस इतना सा काम करने के लिए ना मेरे 2 घंटे एक्स्ट्रा लग गए इसमें। हालांकि आपसे ये ब्लेंडर नहीं होगा तो आपका ये एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा, बट अगर ऐसा कभी कुछ होता है तो मैं बता दे रही हूँ कि आप किस तरीके से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने बताया था कई सारे एलिमेंट्स इसमें यूज़ हो रहे हैं, तो अब नीचे जो एक बेस होता है उसको भी मैं तैयार कर लूँगी, और इसमें से भी मैं थोड़ा सा क्ले वर्क कर ले रही हूँ। बेसिकली यहाँ पे मैंने एक डिब्बा था उसका ढक्कन यूज़ किया है। आप कोई प्लास्टिक ढक्कन या कुछ भी नहीं है तो आप नॉर्मल कार्डबोर्ड का ही बेस बना सकते हो। अब एक लैम्प का टूटा हुआ सा एक एलिमेंट मेरे पास था, उसे भी मैं यूज़ कर रही हूँ दोनों पार्ट्स को जोड़ने के लिए। तो मैंने इसको ग्लू से चिपकाया है और इसके बाद इस पर मोल्डेड क्ले लगा दिया है, क्योंकि मोल्डेड क्ले से ये स्ट्रांगली चिपका रहेगा, टूटेगा नहीं। तो फाइनली ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, और अब मैं इसको पेंट करूँगी। तो पेंट करने के लिए यहाँ पे मैं क्राफ्टोलॉगर का चॉक पेंट यूज़ कर रही हूँ, ब्लैक वाला। तो बेस में आपको ब्लैक कलर ही यूज़ करना है। तो सारी चीज़ों को हमने कम्प्लीटली ब्लैक कलर से पेंट कर लिया है। अब मैं ले रही हूँ सिल्वर कलर, एंड ये एक्रीलिक कलर है, और इसको मैं स्पॉन्ज की हेल्प से हल्का हल्का डैब करते हुए पूरे जो पीस है उसके ऊपर अप्लाई करूँगी। तो इस पर काफ़ी विंटेज वाला इफ़ेक्ट आ जाएगा। इसके बाद मेरे पास क्राफ्टोलॉगर के ही ये 2 मेटेलिक पेंट्स थे, इनको यूज़ करके मैं इसको थोड़ा सा और इन्हेंस करूँगी। तो क्राफ्टोलॉगर से अगर आपको कोई भी DIY प्रोडक्ट ख़रीदना है तो आप इनके इंस्टा पेज से या फिर डायरेक्टली इनकी वेबसाइट से भी ले सकते हैं। तो अगर आप ट्रांसपेरेंट चीज़ नहीं यूज़ करते हो और कम्प्लीटली पेंट कर देते हो तो ऐसा कुछ लुक आएगा। बट अब मैं इसका जो टेप हमने बीच में लगाया था उसको रिमूव कर देती हूँ, एंड इसका जो असली लुक है ना ये तभी आएगा जब इन झरोकों से लाइट बाहर आएगी। तो इसमें आप ऐसी बैटरी ऑपरेटेड लाइट्स का या फेरी लाइट का भी यूज़ कर सकते हो। फाइनली इतनी जद्दोजहद के बाद हमारा फर्स्ट DIY तो रेडी हो गया। तो इस DIY की सफलता के बाद चलो अब अपना दूसरा DIY भी बना लेते हैं। और जो दूसरा DIY था ना वो मैंने ऑलरेडी सोच रखा था कि हमें क्या बनाना है, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग था और थोड़ा मेहनत वाला काम था उसमें। तो अभी इतना टाइम नहीं बचा है क्योंकि सारा टाइम हमारे फर्स्ट DIY में ही चला गया है। तो मैंने सोचा कि कुछ ईजी सा बनाते हैं, तो चलिए अपना सेकेंड DIY भी शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट DIY के लिए मेरे पास एक बैंगल बॉक्स रखा था कार्डबोर्ड का, इसी को मैं कुछ बढ़िया सा बनाने वाली हूँ। क्योंकि इतना बेकार सा बैंगल बॉक्स घर में कहीं रखा हो ना तो पूरे घर की शोभा को वो ख़राब ही करता है। तो इसको कुछ अच्छा सा बनाते हैं ताकि कहीं भी हम इसको रख सकें और ये देखने में अच्छा दिख सके। एंड इस प्रोसेस से ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ बैंगल बॉक्स को ही रिवैम्प कर सकते हो, आप कोई दूसरा बॉक्स या कोई दूसरी चीज़ जो आपको डेकोरेट करनी है उसे भी आप सेम प्रोसेस से सजा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ढेर सारे पेपर रोल्स बना लिए हैं, और इन पेपर रोल्स से कुछ ऐसी चोटियाँ जैसी भी मैंने गूँथ ली हैं। तो बस इतना बना लो और आपका काम हो गया, क्योंकि और हम कुछ भी नहीं यूज़ करेंगे, बस इन पेपर्स को ही यूज़ करेंगे हम। अब बस हमें सिंपली इन सारी चीज़ों को चिपकाना है इस बॉक्स के ऊपर। तो साइड में पहले मैंने ये पेपर रोल्स को चिपका दिया है और इसको फोल्ड कर दे रही हूँ,
तो अच्छे से चिपका रहा है, इसके लिए मैंने मास्किंग टेप यहाँ पे यूज़ किया है। और आप लोग अक्सर ग्लू के बारे में पूछते हो, तो मैं यहाँ पे फेविकॉल SH यूज़ कर रही हूँ। ज़्यादातर मैं यही यूज़ करती हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप कोई दूसरा स्ट्रांग ग्लू यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ वो आप ही यूज़ करो। तो जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम कट करते जाएंगे और एक एक करके हम ये सारे पेपर को चिपकाते जाएंगे। तो एक जो हमने ब्रेड बनाई थी वो चिपका रही हूँ, इसके बाद दो पेपर स्ट्रॉस चिपका रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमारा पैटर्न कम्प्लीट होता जाएगा। तो बनाने से पहले मैंने सोचा था कि कुछ ईजी सा बनाऊँगी और मुझे लगा था कि ये वाला डे आया तो बस फटाफट से बन जाएगा, लेकिन जब मैं पेपर स्ट्रॉस बनाने बैठी ना तो मुझे पूरा दिन निकल गया और काफ़ी टाइम लग गया इसमें भी। अब एच की तरफ जो सारे पेपर जहाँ पे हमने कट किए हैं उसे हम कवर कर देंगे न्यूज़पेपर की हेल्प से, तो थोड़ा क्लीन सा लुक आएगा। तो अब मैं इसे भी पेंट कर लूँगी और इसे भी हम नॉर्मल सबसे पहले ब्लैक कलर में पेंट करेंगे। तो आज की जो दोनों ही चीज़ें हैं वो मैं सिल्वर कलर की बना रही हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने गोल्डन और अलग अलग कलर के विंटेज DIYs बनाए हैं, बट सिल्वर कभी नहीं बनाया था और मैं चाहती थी कि ऐसा भी कुछ हो मेरे घर पर। तो इसके लिए आज दोनों ही चीज़ों को मैं सिल्वर कलर में पेंट कर रही हूँ। तो इसे भी हमने सिल्वर कलर से हाईलाइट कर लिया है। अब लास्ट में मेरे पास ये एक ऐसा कुछ बटन जैसा था और ये एक पुराना बैग था मेरे पास, उसमें से निकला था। तो ये थोड़ा सा पुराना टाइप का था, मतलब इसमें काफ़ी स्क्रैचेस वगैरह थे, इसके कलर भी थोड़ा थोड़ा उड़ गया था। तो इसको मैं पेंट कर ले रही हूँ और इसे मैंने ब्लू कलर से थोड़ा सा हाईलाइट कर लिया है। एंड ये बॉक्स का जो अंदर वाला पार्ट है उसे भी आपको पेंट कर लेना है सेम इसी तरीके से, पहले ब्लैक कर दीजिए और हाईलाइट कर दीजिए बाद में। तो चलो अब फटाफट से हम इसका फाइनल लुक भी देख लेते हैं। लास्ट में एक ज़रूरी सूचना कि जिन लोगों को ये नहीं पता है कि मेरा एक दूसरा चैनल भी है मानसीज लाइफ, जहाँ पे मैं व्लॉग्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, हैक्स और होम और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें शेयर करती हूँ। तो अगर आपको मेरे यहाँ पे वीडियोस पसंद आते हैं तो आई एम श्योर कि आपको उस चैनल पे भी वीडियोस मेरे ज़रूर पसंद आएंगे। तो प्लीज़ एक बार जाके वो वीडियोस भी देखना और पसंद आया तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो बस यही ज़रूरी सूचना देनी थी। और आज के DIYs कैसे लगे वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।